सप्तश्लोकी गीता का हिंदी पाठ ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है यह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त ही है। वह सब रहने वाला हाथों और चरणों से युक्त है तथा सब ओर रहने वाले आँखों सिरों और मुखों से युक्त है एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाली श्रवण इंद्रियों से युक्त है एवं समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित है जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन जगत का शासन करने वाला सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है सबका दाता सब प्राणियों को कर्म अनुसार पृथक पृथक फल देने वाला है जिसके रूप का चिंतन अशक्य है जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञात से अतीत है उसको जो स्मरण करता है वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है जिसका ऊर्ध्व ब्रह्म ही मूल है और जो नीचे शाखाएं अहंकार तन्मात्रा आदि रूप वाली है ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यव अविनाशी कहते हैं। ऋग यजु और सामवेद जिसके पत्र हैं जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है वह वेदों के अर्थों को जानने वाला है। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होके उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनकी स्मृति ज्ञान और इन दोनों का लोभ भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला मेरा ही भक्त मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मात्र परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा।